हेलो, आज हम बनाने जा रहे हैं कटहल ग्रेवी। उसके लिए हमें सबसे पहले यहाँ पर मैंने 200 ग्राम जितना कटहल काट के और तल के रख लिया है। इसको इतना रेड होने दीजिएगा, काट के पीसेस। एक आलू है यहाँ पे बड़ा वाला, जिसको मैंने बड़े बड़े पीसेस में काट लिया है। पानी में अभी इसलिए रखा है क्योंकि आलू जल्दी से काला पड़ जाता है। ये देखिए, इतने बड़े बड़े पीसेस हैं ये। और उसके अलावा खड़े मसाले हैं यहाँ पे, एक काली इलायची, दो हरी इलायची, एक इंच दालचीनी, चार से पांच लौंग और 10 से 12 काली मिर्च। इनको हमने कूट के, हल्का हल्का कूट के रख लिया है। उसके अलावा एक चम्मच जीरा है, 1/4 चम्मच हींग, 1/2 चम्मच हल्दी, 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1.5 चम्मच के करीब धनिया पाउडर और 1 चम्मच यहाँ पर है गरम मसाला। दही है मेरे पास, जिसमें से हम 4 बड़े चम्मच डालेंगे, नमक स्वाद अनुसार। उसके अलावा जो मसाले हमें चाहिए होंगे वो एक बड़ा प्याज, जो कि मैंने लंबा लंबा काट लिया है, 2 मीडियम टमाटर लंबे लंबे कटे हुए हैं, यहाँ पे अदरक और लहसुन मैंने कूट के रख लिया है, जो कि 1 से 1.5 टेबल स्पून जितना है, और ये 2 हरी मिर्चें हैं जिनको मैंने बड़ा बड़ा काट लिया है। हमें 2 से 2.5 टेबल स्पून जितना तेल चाहिए होगा सरसों का, वो है यहाँ पे, और थोड़ा पानी भी चाहिए होगा करी बनाने के लिए, वो भी मैंने यहाँ रखा हुआ है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कुकर में तेल डालेंगे सरसों का, और उसके बाद उसको हम तेल को गर्म होकर स्मोकिंग पॉइंट तक, या जब तक उसका धुआं नहीं निकलने लगता तब तक हम उसको तेल को पकाएंगे। तो हम तेल डाल रहे हैं कुकर में, दो से ढाई टेबल स्पून जितना तेल ये हमने डाल दिया, और अब हम इसको गर्म होने देंगे तेल को। थोड़ा सा गर्म हो जाए, इसका धुआं निकलने लगे, क्योंकि सरसों का तेल जलाकर फिर ही इस्तेमाल होता है। तेल हमारा गर्म हो गया है, धुआं निकल रहा है इसमें से, आप देख सकते हैं रंग भी इसका हल्का पड़ गया है। अब हम इसमें जो हमने कूट के रखे थे खड़े मसाले वो डाल देंगे। सबसे पहले ये हमने खड़े मसाले डाल दिए हैं, और जब तक ये तड़क रहे हैं तब तक इसको हम तड़कने देंगे। जब तड़कना बंद कर जाएंगे फिर बाकी का सामान डालेंगे। ये देखिए तड़कना बंद हो गया है, कम सेकते ही है ये। अब प्याज और हरी मिर्च डालेंगे इसमें हम। थोड़ा सा प्याज को हल्का लाल होने तक भूनेंगे, थोड़ा सा नमक डाल देंगे इसमें साथ में, ताकि प्याज थोड़ा जल्दी गल जाए। अभी पूरा नमक नहीं डालना है, सिर्फ प्याज गलने के लिए थोड़ा सा नमक डाल दें। नमक जैसे ही प्याज जैसे ही हल्का गुलाबी होता है, हम इसमें अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल देंगे। ट्रांसमिशन होने लगा तो अभी थोड़ा अदरक भूख रहे हैं, एक बार और मिक्स करते हैं, फिर उसके बाद डालेंगे। हल्का हल्का से गुलाबी बनाने लगा, ट्रांसमिशन हो गए हैं, तेज चेक कर दिया हमने थोड़ा सा और पकाने के लिए जल्दी। और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अदरक लहसुन डालकर साथ साथ ही हम इसमें जीरा, हींग और हल्दी डाल देंगे। मिक्स कर लेंगे इसे और 1-1.5 मिनट तक इसे पकने देंगे।
ये हल्का हल्का सा देखिए पक गया है और मसाले जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हमने एक चम्मच जितना पानी भी डाल दिया था इसमें। अब हम इसमें टमाटर डाल रहे हैं। टमाटर के साथ साथ ही हम नमक और जितना नमक हमें सब्जी में चाहिए वो और बाकी के मसाले भी डाल देंगे। फ्लेम को थोड़ा भी तेज ही रहने देंगे। बाकी जो हमारे मसाले गरम मसाला सूखा धनिया और लाल मिर्च हम डाल रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं इसको। और इसके साथ ही साथ मैंने आलू छान लिए थे, अब हम आलू भी साथ ही साथ डाल देंगे क्योंकि आलू बड़े बड़े कटे हुए हैं। कटहल पहले से तला हुआ आलू कच्चा है तो हल्का सा आलू को टमाटर के साथ ही पकने देंगे कटहल डालने से पहले। अब इसको कम सेक पर हम आधा चम्मच जितना एक चम्मच जितना पानी डालकर इसको कम सेक पर हम थोड़ा सा पका लेंगे। मसाले भी मिक्स हो जाएंगे और मसाले जलेंगे भी नहीं पानी डालने से। ये हमने एक चम्मच जितना तेल डाल दिया है, चम्मच तेल बना रहे थे सब्जी, तेल नहीं सॉरी पानी। अब इसको पकने देंगे थोड़ा। दो मिनट हो चुके हैं। देखिए कितना अच्छा सा कलर भी आ गया है और आलू भी हल्के हल्के से सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं। अब हम इसमें कटहल डालते हैं। कटहल डाल के फिर अच्छे से मिक्स करेंगे। खुशबू तो अभी से बहुत अच्छी आ रही है इसमें मसालों की। दही डालेंगे 4 बड़े चम्मच। अच्छे से मिक्स कर देंगे इसको। फिर बंद कर दिया है हमने क्योंकि दही में तो जलना जलने लगती है। अगर आपको सिर्फ रोटी या पराठे के साथ खाना हो, चावल के साथ ना खाना हो, तो आप इसको ऐसे भी बस खाली दोबारा से सिर्फ एक चम्मच तेल डालकर ढक्कन बंद करके और इसको एक विसल एक या दो विसल और साथ में 2-3 मिनट कम सेक पे पकाकर और छोड़ सकते हैं। लेकिन हम इसको चावल के साथ खाएंगे इसलिए हम इसमें पानी भी डालेंगे थोड़ा ताकि थोड़ी सी ग्रेवी हो अच्छी। एक अब तेज कर दिया है क्योंकि हम पानी डालने वाले हैं मिक्स करके। ये देखिए ये ग्लास जो हमारे पास रखा हुआ था वो हमने आधा ग्लास जितना पानी इसमें डाला है। ये ग्लास मेरा 250 मिलीलीटर के करीब है, उसमें से आधा यानी 125 मिलीलीटर के करीब मैंने इसमें पानी डाला है क्योंकि दही भी अपना पानी अभी छोड़ेगी। अगर बाद में हमें कम लगेगा तो हम थोड़ा सा पानी उबाल कर भी लास्ट में मिक्स कर सकते हैं पकने के बाद। अब हम इसका ढक्कन बंद कर देंगे। और जैसा कि मैंने बताया था दो विसल देकर इसको तेज सेक कर दिया है। 2 विसल देंगे और 2 विसल देने के बाद फिर हम इसको 2-3 मिनट कम सेक पर रखेंगे। उसके बाद जब अपने आप से इसका प्रेशर खत्म हो जाएगा तब खोल कर इसे देखेंगे। हमारा कुकर में से प्रेशर देखिए बिल्कुल निकल चुका है, टोटली डीप्रेशराइज हो चुका है। तो मैं इसको खोल कर देख लेती हूँ कि कैसा है, ये पक गया है या थोड़ा और पकाना है ये देखना पड़ेगा इसको भी। ये देखिए कलर तो इसका बहुत अच्छा आया है। ग्रेवी मुझे लगता है अभी भी थोड़ी कम है चावल के हिसाब से, तो जब हम खाने लगेंगे इसको
तब हम थोड़ा सा पानी उबाल के इसमें मिक्स कर देंगे और इसको उसके साथ ही एक उबाला भी दे देंगे। लेकिन पराठी के हिसाब से ये बहुत अच्छा बन गया है। अगर आप पराठी या चपाती के साथ इसे खाना चाहते हैं उस हिसाब से ये बहुत अच्छा बन गया है। तो हम इसको थोड़ा सा ग्रेवी बना लेते हैं और फिर आपको ग्रेवी वाला दिखाते हैं। देखिए मैंने इसमें थोड़ा सा पानी डाल के इसको पानी उबाल के थोड़ा इसमें डाल दिया था। अब इसकी ग्रेवी चावल के साथ खाने लायक हो गई है। हमने इसको बोल में पलट दिया है और धनिया से गार्निश कर दिया है। अब इसको हम चावल के साथ सर्व करेंगे। आप भी चाहें तो और ग्रेवी बनाकर जैसे हमने अभी बनाई है पहले ही पानी थोड़ा ज्यादा डाल सकते हैं। मैंने आधा ग्लास डाला था, पूरा ग्लास डाल सकते हैं और ग्रेवी ठीक हो जाएगी। नहीं तो अगर आपको पराठी वगैरह के साथ ही खाना है तो जैसे पहले थी, जैसी मैंने कुकर में दिखाई थी वैसे ही सही थी। आप उस पे बस धनिया डालकर बोल में सर्व कर सकते हैं पराठी या रोटी के साथ। तो बनाइएगा अपने घर में, आप भी ट्राई कीजिएगा, बताइएगा आपको कैसा टेस्ट लगा और हम लोगों को वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।